इस लॉर्ड जेमसी की प्रभु में मेरा आपको सलाम। खुदा के कलाम में लिखा है वचन संहिता उसके 34वें अध्याय में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालात हर जगह बेकाबू हैं, हर जगह लोग परेशान हैं, पर खुदा ने हमें और आपको महफूज रखा है, सुरक्षित रखा है। हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का प्रतिफल है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, आपने बेशकीमत समय हमारे बीच में दिया। खुदा की महिमा करेंगे, परस्तुति गाएंगे, और आशा करता हूं मैं कि आज की आराधना भी आपके लिए भी और मेरे लिए भी आशीष का सबब बनेगी। हमें जलाल आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप बढ़े,
अपने दिल से दुआ करते हैं, इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांग लेते हैं। हालेलुया, आमीन। समय है कि कुछ कोरसेस में खुदा की महिमा करेंगे, उसके नाम में धन्य कहेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करो
मधुर मीठे और यशस्वी नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्रगुजार हूं इस समय के लिए, इस लम्हे के लिए जो उसके वसीले हमें मिला कि मैं आपके बीच में आकर के उस खुदा की महिमा हम सिताइश करने वाला हो सकूं और हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का प्रतिफल है। और आज मैं आपसे ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ बहुत ही गूढ़ बातों पर बात करना चाहता हूं जो कि वास्तविक रूप में हमारे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं अहमियत को रखती है। और अक्सर होता क्या है कि हम बहुत जल्दी हियाव खो बैठते हैं जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती है, जब जो हम कल्पनाएं करते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं घटित होती है तो हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। और निराशा जब होती है तो कहीं ना कहीं हम कुड़कुड़ाते हैं, बकझक करते हैं, बकबक करते हैं। वी स्टार्ट मर्मरिंग। खुदा के कलाम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बड़बड़ाना पसंद नहीं करता है, बकझक उसे पसंद नहीं है। उसकी दुहाई देते हैं तो वो उसको भाता है। परमेश्वर को ये बात अच्छी लगती है कि आप उसे पुकारें, अपने प्रतिकूल परिस्थिति में आप उसकी दुहाई दें। और ये आज मैं खुदा के कलाम से आपको बताना चाहता हूं। जी हाँ, मैं कुछ ऐसे खुदा के खास लोगों से आपको मिलाऊंगा जिन्होंने बहुत बकझक किया, जिन्होंने बहुत बड़बड़ किया, हर मोड़ पे बड़बड़ करते थे और परमेश्वर को ये बात रास नहीं आती थी, पसंद नहीं आती थी। पर इससे पहले मैं आपको उन लोगों से मिलाऊं, एक वचन को हम पढ़ेंगे। मेरे साथ अपने बाइबल में निकाल सकते हैं फिलिप्पियों उसका दूसरा अध्याय और 14वीं आयत। इस प्रकार लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई पड़ते हो। कुड़कुड़ाना नहीं है, बड़बड़ाना नहीं है। We don't have to murmur, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। जो कार्य करो, लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए हुए किया करो। अपनी महिमा के लिए तुम्हें चुना है ताकि तुम संसार में जहां भी जाओ उस जीवन के वचन को बताओ, उस जीवन के बारे में बताओ। और वो जीवन कोई और नहीं, मार्ग सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और मेरे मित्रों, वो वचन हमें और आपको इस दुनिया के कोने में फैलाना है, बताना है। और बड़बड़ाएंगे, अगर बकझक करेंगे तो वो चीज संभव नहीं हो सकती है। कई बार हमारे और आपके जीवन में ऐसी बातें होती है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जब कोई बीमारी हमें घेर लेती है, हम परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाते हैं। हमारी जो स्मरण शक्ति है, जिसके हम जो हम सोचते हैं, जो हमारी मेमोरी अगर कहें, बुराइयां जो है बहुत अच्छे से याद रखते हैं, पर अच्छी बात भलाई जो है बहुत क्षण भर के लिए याद रखते हैं। कोई आपके साथ कितनी भी भलाई कर जाए, आपके साथ कितने भी अच्छे कार्यों को कर जाए, आपके जीवन में कई आशीषों का सबब वो हो, पर एक गलती जो है उसकी सारी अच्छाइयों को, भलाइयों को आपके जिंदगी से मिटा देती है। पर यही हमारे और आपके साथ भी तो कहीं ना कहीं होता है। और खुदा का कलाम यही बोलता है कि कुछ भी करो तो बड़बड़ा कर मत करो, बकझक ना करो। परमेश्वर को जब कुछ कहते हो तो हमेशा ये याद रखना कि उसने तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े कार्य को किया है। भजन संहिता 103 में लिखा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, उसके उपकार हमारे और आपके जीवनों में इतने हैं कि हमें उनको हर समय स्मरण रखना है, क्योंकि हमारी खूबी, हमारी लियाकत बिल्कुल भी नहीं है, काबिलियत हम में नहीं है, काबिल खुदा हमें बनाता है। और आप जब उसके उपकारों को याद रखेंगे, जब आप उसकी दुहाई देंगे, instead of murmuring, when you start praying,
God will answer you. God will answer your prayers. जब आप बढ़बढ़ाएंगे नहीं, जब आप बकझक नहीं करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। जी हाँ, मैं आज आपको एक ऐसे स्थान पे लेके चलना चाहता हूँ जहाँ पे परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके पहुंचाया, और ये लोग दासत्व में जी रहे थे, गुलामी में जी रहे थे। इनके बच्चे जो थे कुदार चलाया करते थे और मजदूरी किया करते थे, पर परमेश्वर ने इनके आंसुओं को देखा था, परमेश्वर ने इनकी दोहाई को सुना था। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोहाई की बात कर रहा हूँ। जब इन्होंने दोहाई दिया तो परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसराइली लोगों को, खुदा के जो कौम के लोग थे, खुदा के जो चुने हुए लोग थे, परमेश्वर ने इन्हें मिस्र की गुलामी से आजाद किया था। जी हाँ, जब मेरे साथ आप निकालेंगे, पढ़ सकते हैं आप निर्गमन उसका 15वां अध्याय और 22वीं आयत, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे जहां का पानी खारा था, उसे वे पी ना सके। मित्रों, मेरे प्यारों, खुदा के लोगों, ये वही लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अभी मिस्र की गुलामी से निकाला, और जब ये लाल समुंदर को पार करके आते हैं तो शूर नामक एक जंगल आता है। उसमें 3 दिन तक यात्रा जब करते हैं, इनके रिसोर्सेस कम हो जाते हैं, जो पानी लेकर के चले थे वो समाप्त हो जाता है। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और लिखा है एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जिसका नाम मारा था, और वहां का पानी जो था बहुत खारा था, और ये पी नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने मूसा के साथ बकझक करना शुरू कर दिया, बड़बड़ाने लगे। They started murmuring, they started cursing God, they started telling things which was not good in the sight of the Lord. वो ऐसी-ऐसी बातें कहने लगे जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी नहीं थी। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, क्या खुदा के लिए ये कार्य असंभव था कि उस खारे पानी को मीठा ना बना दे? अभी तो इन लोग ने चमत्कार को देखा था, अभी तो इन्होंने आशीषों को देखा था, किस तरह से परमेश्वर ने लाल समुंदर को दो भाग कर दिया। इतना विशाल समुंदर था, इतने उसमें जीव थे जो समुद्री जीव होते हैं, तमाम चीजें अलग हो गई थी। खुदा के गजब को देखा था, उसके मौजजे को देखा था, सिर्फ 3 दिन में उस मौजजे को ये भूल गए। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, बकझक करने लगे, बड़बड़ करने लगे कि अच्छा होता कि हम मिस्र ही में होते, अच्छा होता कि हम वहीं पे मर जाते, अच्छा होता हमारी जिंदगी वहीं रहती। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, एक बात याद रखिएगा, जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए, जब कोई समस्या आपको घेर ले, जब आपके रिसोर्सेज, जो उनका रिसोर्स था, खत्म हो गया था, पानी के लिए तरस रहे थे, याद रखिएगा परमेश्वर के उपकारों को, याद रखिएगा कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने आपके जीवनों में कार्यों को किया है। जो आप सांस ले रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, जो आप सुन पा रहे हैं, ये भी उसके उपकार हैं, ये भी उसकी दया है, ये भी उसका अनुग्रह है। पर ये इसराइली लोग बकबक करने लगे थे, बकझक करने लगे थे, और शूर नामक जंगल में गुजर तो रहे थे, पर परमेश्वर कई बार हमें भी जंगल में लेकर के चलता है, हमें भी ऐसे स्थानों में लेकर के जाता है। God takes us into wilderness to make us learn something out of it. कई बार परमेश्वर हमें ऐसी स्थानों पे ले जाता है जहां वो चाहता है कि हम वहां से कुछ सीख को प्राप्त करें। और आगे हम देखेंगे कि मारा में कितने मौजजे परमेश्वर ने किया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इसराइली लोग बकझक करने लगे, बड़बड़ करने लगे, और ये बात परमेश्वर को बिल्कुल भी नागवारा गुजरी, उसको अच्छी नहीं लगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 13वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा, परमेश्वर इनके साथ दिन में बादल के खंभों में और रात को आग के खंभों में होकर साथ चलता था, और रास्ते को दिखाया करता था ताकि वे दिन रात दोनों पहर में चल सके। जैसा मैंने आपको बताया, जब परमेश्वर ने इनको मिस्र की गुलामी से निकाला, और अभी इन्होंने ये मौजजे को देखा था कि किस तरह परमेश्वर का जो परमेश्वर की जो उपस्थिति थी उनके साथ, दिन को बादल में और रात को आग के खंभे में होकर के परमेश्वर उनके साथ चला करता था, ताकि मेरे लोग जिनको मैंने चुना है, मैं उनको मार्ग दिखा सकूं, मैं उनको पथ
प्रदर्शक बन करके उनके साथ चलो, जिससे कि वो रास्ते को देख सकें और दिन और रात चलते जाएं। वे थकते नहीं थे, ये ताकत कहां से आई? वो हार नहीं रहे थे, ये ताकत कहां से आई? इतने दिनों किसने उन्हें खिलाया? ये सामर्थ कहां से आई? ये सब मौजे, सब सामर्थ के काम वो भूल गए थे मित्रों। और आगे हम पढ़ते हैं जब गिनती की किताब उसके 14वें अध्याय की पहली आयत में पढ़ा लगा, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे और सब इसराइली मूसा और हारून पर बड़बड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या जंगल में ही मर जाते। और आगे जब हम पढ़ते हैं 4वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। आओ हम किसी और को प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। मित्रों, आज ये तस्वीर हमारे संसार की है। आज खुदा के घर को लोग छोड़ रहे हैं, खुदा के भवन को लोग छोड़ देते हैं, परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं। मिस्र जो है संसार की तस्वीर है। आज कई लोग के जीवन में जानता हूँ जो संसार में खो गए, जिन्होंने संसार को अपना आशियाना बना लिया, जिन्होंने संसार को इस खुदा के भवन से श्रेष्ठ जाना। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जब हम चर्च जाया करते थे, इबादत जब हम कर सकते थे, खुदा के घर में जाकर के सेवकाई कर सकते थे, तो वो कहते थे कि एक ही दिन तो मिलता है, संडे का तो दिन होता है जब हमें सब कार्य कर हम सब कार्य कर सकते हैं, बच्चों के होमवर्क कराने रहते हैं, घर के तमाम कार्य रहते हैं। पर आज खुदा ने बता दिया कि उसकी सामर्थ के आगे कुछ भी नहीं है। ये गजब खुदा का, ये कोरोना वायरस इसीलिए आया है कि वो बताना चाहता है मनुष्य कुछ भी नहीं है, मनुष्य मात्र एक मिट्टी है। एक छोटा सा वायरस सारे संसार को हिला करके रख दिया और कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। मेरे मित्रों, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मत भूलिएगा, मत कहिएगा कि हम किसी और को चुन लें जो कि हमें मिस्र को लौटा करके लेकर के चले। और ये इज़राइलो गिनती के उसमें पढ़ लीजिएगा, कहने लगे कि हम क्यों ना किसी और अगुए को चुन लें जो हमें मिस्र को वापस ले जाए। क्या कह रहे हो खुदा के लोगों, क्या कह रहे हो परमेश्वर के लोगों, खुदा के जन हो आप, खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको छुड़ाया है। आप पे ये बात शोभा नहीं देती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है। खुदा का कलाम बताता है धर्मी जन में बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है, पर परमेश्वर उन सब से उनको मुक्त करता है। और लिखा क्या है उसमें आगे वचन पढ़ लीजिएगा कि परमेश्वर उनको सहने से ज्यादा परीक्षा में नहीं जाने देता है। ये खुदा का कलाम कहता है, अगर आप उससे प्यार करते हैं, वो गीत हम गाते हैं, चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आकर के धन्य हुआ और प्रतिकूल परिस्थिति में मैंने सामर्थ को उसकी देखा है। अगर आप उसकी सामर्थ को देखना चाहते हैं तो याद रखिएगा, परिस्थिति प्रतिकूल जरूर आएगी। एक बात याद रखिएगा, अगर आप खुदा से प्यार करते हैं, समस्याएं तो आएंगी, मुसीबतें तो आएंगी, बलाएं तो आएंगी, पर वही खुदा, वो खुदा है जिसने अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाल करके लेकर के आया था। और कई बार मित्रों हम बकझक करने में, बकबक करने में अपनी आशीषों को खो बैठते हैं और ये इजरायली लोग यही कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, दिन रात बकझक कर रहे थे, they were murmuring all day long, you know, and इसी कारण से ये कई बार परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे। आज हमारे और आपके जीवन में भी यही होता है कि अगर बीमारी आ गई तो हम कहते हैं, अरे इतनी प्रार्थना तो हम करते हैं, इतनी दुआ तो करते हैं, पर क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है? मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, मैं खुदा को नहीं मानती हूँ। कई बहनें ऐसे कहती हैं, कई भाई ऐसे कहते हैं, अरे ये हादसा मेरे घर में क्यों गुजरा, ये चीजें मेरे घर में क्यों गुजरी। मेरे मित्रों, हादसे गुजरते हैं, कहीं ना कहीं हमारी और आपकी गलती रहती है। कोई कई बार ऐसी चीजें होती है जो हम परमेश्वर को दोष देते हैं, पर ऐसा वास्तविक रूप में नहीं होता है। परमेश्वर से हमेशा प्यार करिएगा, उससे उसकी दुहाई दीजिएगा, उससे प्रार्थना करिएगा, तो
आपके लिए असंभव को संभव करेगा, असंभव चीजें वो आपके लिए संभव कर देगा। ये कुड़कुड़ाना उसको नहीं पसंद है, ये दुहाई भी तो दे सकते थे, मारा पहुंचे हुए हो, पानी खारा है, एक बार दुहाई देते तो क्या परमेश्वर उस पानी को मीठा नहीं कर सकता था। अभी 3 दिन पहले तुमने देखा किस तरह से लाल समुद्र को परमेश्वर ने तुम्हारे लिए 2 भाग कर दिया, तुम्हें पार लेकर के आया, तो ये पानी जो स्ट्रीम है उसको मीठा क्यों नहीं परमेश्वर कर सकता है। बकबक करना छोड़ दीजिए मित्रों, कई बार इतनी आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, बड़े बड़े मौजूदे करता है, पर एक छोटी सी जो दिक्कत परेशानी तकलीफ हमारे जीवन में आती है, कहीं ना कहीं हम निराश हो जाते हैं। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बकझक ना करिए, बकबक ना करिए। डैनियल नबी के बारे में आप जानते हैं, जब उसको पता चला कि उस मोहर पर हस्ताक्षर हो गया है, उस पत्र पर हस्ताक्षर हो गया है, मोहर लग चुकी है, राजा ने अपना अंगूठी का सील लगा दिया है, बकझक नहीं किया, परमेश्वर मैं तो इबादत करता हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ, ये क्यों हुआ, मैं आपको प्यार करता हूँ। Instead, he started praying, प्रार्थना करने लगा, दोहाई देने लगा, और लिखा है जिस तरह से अपनी रीति के अनुसार वो प्रार्थना किया करता था, उसी हिसाब से वो फिर से यरूशलेम की ओर खिड़की को खोलकर प्रार्थना करने लगा। मित्रों, बकबक करने में कुछ नहीं रखा है, बकझक करने में कुछ नहीं रखा है, उसके अलावा प्रार्थना करने लगिए। और फिर हम देखते हैं यहोवा का कोप उन पर भड़क उठता है, और मूसा ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसा ना करो, परमेश्वर का क्रोध तुम पर भड़केगा। पूरा पढ़ लीजिएगा, वहां पे लिखा है कि मूसा और हारून समझाया करते थे कि जो भूमि, जो प्रॉमिस लैंड खुदा हमें देने जा रहा है, वहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, और वहां के लोग हमारा आहार होंगे, और उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। पर ये लोग परमेश्वर की दुहाई नहीं दे रहे हैं, उसके उपकारों को नहीं याद रख रहे हैं, उसकी भलाइयों को नहीं याद रख रहे हैं, और कह रहे हैं कि काश हमें कोई वापस मिस्र को लेकर के चलता। और 26वीं आयत में पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बड़बड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं। देखिएगा, खुदा का कलाम बताता है जो बार बार डांटे जाने पे हट करता है वो अचानक नाश हो जाता है। मैं एक पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, इफिसियों उसके 4 अध्याय के 29वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वो ही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। God has blessed us with His Holy Spirit. God has blessed us with His presence. मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, जब चेले घबरा गए थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, पर मैं जा तो रहा हूँ, पर मैं पिता से निवेदन करूंगा कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजे, वो सहायक पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर होगा। मेरे मित्रों, खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र आत्मा दिया है। आप मुंह से जब बकबक करते हैं, जब बड़बड़ाते हैं, उस आत्मा को शोकित करते हैं, क्योंकि हम और आप को ये पवित्र आत्मा की छाप इसलिए दी गई है ताकि जब परमेश्वर का न्याय हो तो हमारे लिए एक गवाह का कारण बन सके। मेरे मित्रों, मुंह से उतनी बातें बोलिए जो दूसरों के लिए आशीष का सबब बने, ऐसी बातें बोलिए जो परमेश्वर को पसंद आए, ऐसे लफ्जों को, अल्फाजों को निकालिए जो खुदा की महिमा का कारण बने, ना कि किसी को बुरा बोले, ना बड़बड़ाए, ना बकझक करें, ना बड़बड़ करें, बल्कि उसके अलावा परमेश्वर की दुहाई दें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि बकझक और बड़बड़ करने से क्या क्या हम अपने जीवनों में चीजों को खोते हैं, और क्या क्या निर्णय जो है हमारे गलत हो जाते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मर्मरिंग, उसके 14वें अध्याय के 3री आयत में लिखा है, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों हमको तलवार से मरवाना चाहता है। ये इजरायली लोग कह रहे हैं, खुदा के लोग कह रहे हैं कि यहोवा हमें क्यों ले जाके मारना चाहता है। यहोवा मारना चाहता था, किनको दासत्व से बचा रहा था। कई बार
जब हमारे कोई स्रोत बंद होते हैं, रिसोर्सेस बंद होते हैं, कई बार कुछ द्वार खुदा बंद करता है, तो याद रखिएगा कि आपके लिए एक बेहतर आशीष रखी है, आपके लिए एक उत्तम से उत्तम आशीष परमेश्वर ने रखा है। और एक बात याद रखिएगा, कभी खुदा को कर्ज मत दीजिएगा, बुरा मत बोलिएगा, उससे बड़बड़ाइएगा नहीं। आज ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो बहुत बड़बड़ करते हैं, जो बहुत बकझक करते हैं, पर याद रखिएगा इसके अलावा आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। बकझक करने के सिवाय बजाय आप प्रार्थना करने लगिए, परमेश्वर की दुहाई देने लगिए, वही खुदा आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा। और क्या दिक्कत हो सकती है? जब हम बुराई करते हैं तो गॉड्स रैथ कम अपॉन अस, परमेश्वर का क्रोध हम पे भड़क उठता है। और यही इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर ने कह दिया कि मैं इनको कब तक सहता रहूं, मैं इनको मार डालूंगा। और पढ़िएगा, जो नई पीढ़ी थी वही उस वाचा के देश में गई थी, और जो तमाम लोग बुराई किया करते थे, बड़बड़ किया करते थे, बकझक किया करते थे, परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया। और लिखा है, जब आप पढ़ेंगे 29th वर्स में, उसी गिनती में पढ़ लीजिएगा 14वें अध्याय में, कि तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक, तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करेंगे। मेरे मित्रों, ये बकझक करने का परिणाम था, बकबक करने का परिणाम था। This was the result of murmuring. Stop murmuring and start praying. Stop arguing with God. Instead, start praising God. ये हमें आज समझने की आवश्यकता है। और हम आगे देखते हैं, murmuring causes people to make wrong decisions. कई बार जब हम बड़बड़ करते हैं, बकझक करते हैं, तो हमें गलत निर्णय पे पहुंच जाते हैं। बाप का वो बेटा जो बाप के घर में रहा करता था, किसी चीज की घटी कमी नहीं थी, एक दिन बकबक करने लगा, एक दिन बकझक करने लगा, पिताजी मेरे संपत्ति का जो भाग मेरा है, जो हिस्सा हमारा है, हमारे नाम पे कर दीजिए, ताकि मैं अपने हिसाब से जी सकूं। बकबक कर रहा था, बेकार की बातें कर रहा था और बेफिजूल की बातें कर रहा था। और लिखा है उसके बाप ने उसको कहे अनुसार सब कुछ दे दिया। ऐसा बाप हमारा खुदा भी है, हम मांग तो लेते हैं और परमेश्वर हमें दे भी देता है। बहुत बड़बड़ करते हैं पर वो तरस खाता है, पर उसकी तरस का फायदा ना उठाइएगा। हश्र आपको मालूम है, उसके पास एक समय ऐसा आता है कुछ नहीं बचता है, ना उसके दोस्त, ना उसका पैसा, ना उसकी दौलत, ना उसके कोई ऐसी चीजें जो उसे सुकून दे सकती थी। बल्कि यहाँ लिखा है, आगे पढ़िएगा उसकी कहानी में, कि उसके पास कुछ ना बचा था और कोई उसे कुछ खाने को ना देता था, और सुअरों को चराया तो करता था और सोचता था कि उन फलियों को जो सुअर खाते खाए, और कोई कुछ उसे खाने को नहीं देता था, क्योंकि सुअर की फलियां जहरीली होती हैं, ऐसा कोई इंसान उसे नहीं खा सकता है। तब उसे अपने बाप के घर की याद आई, उसने फास्टिंग किया, उसने प्रेयर किया, और वो विल्डरनेस में था, वो भी ऐसे जंगल में था जहां उसके रिसोर्स खत्म हो गए थे। मित्रों, जब आप बकबक करेंगे, जब बकझक करेंगे, तो याद रखिएगा उसका परिणाम बुरा ही होता है। और आज खुदा हमें सिखाना चाहता है, बड़बड़ ना करो, बकझक ना करो, पर मुझ पर अपने विश्वास को हमेशा कायम रखो, मेरे उपकारों को याद रखो, मैं तुम्हारे लिए अनगिनत आशीषों को रखा हूँ। खुदा को क्या जरूरत थी खुदा कि इन लोगों को मिस्र से निकाले, पर खुदा ने अपने लोगों को चुना था ताकि वो उस देश में ले जाए जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। और फिर हम पढ़ते आगे, फिर वे एक जगह पहुंचे जिसका नाम मारा था, जैसे मैंने आपको बताया, और वहां का पानी जो खारा था। तो ये लोग आते हैं और मूसा के पास आकर के बकबक करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, पर एक अच्छी बात जो थी मूसा की, उसने क्या किया, उसने बकबक नहीं किया, उसने बकझक नहीं किया, सीधे घुटने पे आकर के परमेश्वर की दुहाई देने लगा। अगर वो भी इनके साथ बकबक करता, अगर वो भी बड़बड़ाने लगता, बुड़बुड़ाने लगता, कहता खुदा ये तो सही बात है, 3 दिन से हम तो शूर नाम के जंगल में चले आ रहे हैं और हमारे पास कुछ पानी नहीं है कि हम पी सकें, हमारे जानवर तड़प रहे हैं,
हमें प्यास लगी है। पर मूसा को मालूम था कि वो खुदा जिसने मुझे और हम अपने लोगों को इस लाल समुंदर को पार कराया है, वो इस मारा में भी अपने चमत्कार को करेगा। इस पानी जो खारा है, ये पानी, इस खारे पानी को वो मीठा जरूर कर देगा। और इस वजह से वो खुदा की दुहाई देने लगा। जब समस्या आ जाए, जब आपके रिसोर्सेस समाप्त हो जाए, कोई आशा ना रह जाए, डॉक्टर्स जवाब दे दें, आपके बैंक बैलेंस खत्म हो जाए, आपकी नौकरी चली जाए, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत समस्याएं हो रही है, क्योंकि हम लोग जिस समय अब रह रहे हैं, चीजें नॉर्मल नहीं हैं, और इसे नाम भी दिया गया है, वी आर लिविंग इन अ न्यू नॉर्मल, कि हम एक नए संसार में रह रहे हैं, जहाँ पे मित्रों लोग अपने ही सोच रहे हैं, कितने लोगों के जॉब चली गई, कितने लोगों के रिसोर्सेस समाप्त हो रहे हैं, कितने लोगों के पास अभी काम नहीं रह गया है। पर याद रखिएगा, अपनी इस परिस्थिति में परमेश्वर पे आशा रखे रहिएगा, उसके दामन को थामे रहिएगा। डॉक्टर्स जवाब दे देंगे, लोग आपको छोड़ देंगे, आपके रिसोर्सेस समाप्त हो जाएंगे, पर खुदा मारा में जो पानी खारा था उसे मीठा रखने की सामर्थ रखता है। वही खुदा जिसने लाल समुंदर को दो भाग कर दिया था, इनके साथ था, पर ये इजरायली नहीं समझ रहे थे। पर हमें और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है, और मूसा वही कर रहा था, वो बकबक नहीं कर रहा था, बकझक नहीं कर रहा था। Instead, he was praying to God. Instead, he fell down on his knees and started praying, started praising God, because he knew God who brought them out of that misery can set them free, can provide them with sweet water. और मैं आपको एक पद पढ़ करके बताना चाहता हूँ, खुदा ने जब मूसा की दुहाई को सुना, खुदा ने उससे क्या कहा, आप मेरे साथ निकाल लीजिए। इसी निर्गमन के 15वें अध्याय के 25वीं आयत में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। And he cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree, which when he had cast into the waters were made sweet. परमेश्वर ने मूसा को एक पेड़ बताया, एक ट्री को बताया, और ट्री एक पेड़ जो होता है लकड़ी को बताता है, और वो गीत हम गाते हैं, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी वही बना था लानती, देने को रास्तगी मेरे मित्रों, पानी खारा था मारा का। पर याद रखिएगा, परमेश्वर ऐसे परिस्थिति में भी उपाय करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। उसने मूसा को कह दिया, इस पेड़ को ले और उस पानी में डाल, और जैसे उसको पानी में डालता है वो पानी मीठा हो जाता है। और वो भी एक गीत हम गाते हैं, यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। जी हाँ मेरे मित्रों, और यही चीज क्या वो नहीं कर सकते थे, इजरायली लोग नहीं कर सकते थे, दुहाई तो देना था, परमेश्वर से प्रार्थना ही तो करना था, और परमेश्वर ने उपाय बता दिया, बजाय बकबक के, बजाय बकझक के, बजाय बड़बड़ कुड़कुड़ाने के, परमेश्वर की दुहाई देने लगेगा। और याद रखिएगा, when you focus on your problem, it gets worse. जब आप अपने समस्याओं को देखेंगे, आप परेशान होंगे, आप अच्छे से लोगों से बात नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर घुटते जाएंगे। पर याद रखिएगा, अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दीजिएगा, क्योंकि उसको आपकी सुधि है, वो आपका ख्याल रखता है। और याद रखिएगा, when you just focus on your problems, your attitude changes, you become intoxicated. आप जहरीले हो जाते हैं, आपकी बातों से बुराई निकलती है, आपके जबान से गंदी बातें निकलती है, आप दूसरों को बुरा बोलते हैं। याद रखिएगा, इन चीजों से अगर बचना चाहते हैं, और वो गीत हम गाते हैं, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, तो याद रखिएगा, परमेश्वर की दुहाई देना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन के मारा में, अपने जीवन के जो खारे पानी है उसमें परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं, तो उसकी दुहाई देने लगेगा। मैं आपको दो लोगों से और मुलाकात कराना चाहता हूं, जिनका वर्णन हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 30वीं आयत में पाते हैं। इसमें लिखा, जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर तरस कर
हम पे दया कर, हम पे तरस खा, और जो तमाम लोग थे वो उन्हें डांटने लगे, उन्हें बुरा बोलने लगे कि खामोश हो जाओ, चुप बैठो, प्रभु को तंग ना करो, डिस्टर्ब ना करो। और पढ़ लीजिएगा आगे लिखा है वो और ऊंची आवाज में पर प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगे। मित्रों, अगर वो उस भीड़ के साथ बकबक करते, बकझक करते, बड़बड़ करते, तो पर प्रभु यीशु मसीह उनकी आवाज नहीं सुन पाता। पर उन्होंने बकझक नहीं किया, वे बड़बड़ाए नहीं, भीड़ के साथ बुरी बातों को नहीं किया, पर परमेश्वर की दुहाई और ऊंचे शब्द से वे करने लगे। इसराइली जब मूसा के पास आए तो वो बकझक कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, और मूसा परमेश्वर की दुहाई ऊंचे शब्दों में कर रहा था। आज कितने लोग आपके पास आते होंगे, बहुत सेवा करते हो, बहुत इबादत करते हो, पर अपने पुराने जीवन को याद करो, अपनी बातों को याद करो। याद रखिएगा, वो बड़बड़ाएंगे, आपके पीठ पीछे बुरा भला बोलेंगे, आपको हमेशा गलत तरीके से बातें करेंगे। पर याद रखिएगा, जितने लोग ऐसे मिले उतनी जोर से, उतनी लगन से परमेश्वर की दुहाई देने लगेगा। Crying to the Lord and He will listen you. उससे पुकारिएगा और वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, और उस मारा के जो इस खारा, जो पानी खारा था, उसको प्रभु ने, उसे परमेश्वर ने मीठा कर दिया था। मेरे मित्रों, और यही कहानी खत्म नहीं होती है, ये वही मारा है जहाँ पे परमेश्वर ने अपने कुछ विधि और नियम को ठहराया। पढ़ लीजिए आगे, उसी में लिखा है, क्योंकि अभी तक वो 10 आज्ञाएं स्थापित नहीं हुई थी। After 5 chapters, the law and the 10 commandments were given to them, and prior to that, there was no such, you know, commandments or the law. So God gave them a new law. और वो यही जगह थी, मारा ही जगह थी, जहाँ पे परमेश्वर ने अपने विधि को, अपने नियम को उनके ऊपर प्रकट किया। परमेश्वर उन्हें बताना चाहता था, क्योंकि अभी तक उनकी मानसिकता जो थी गुलामी वाली थी, क्योंकि बहुत साल से गुलाम थे, बहुत समय से ये गुलामी में जी रहे थे, और इनके मानसिकता को परमेश्वर बदलना चाहता था। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में एक भिखारी रहता था, और वो सड़क के किनारे बैठ करके भीख मांगा करता था। प्रतिदिन राजा साहब गुजरते थे और वो अपने झोले को फैला करके भीख मांगा करता था। एक दिन की बात है, राजा साहब को उस पे तरस आ गई, उस पे दया आ गई, और राजा साहब ने उसे $100 उसके झोले में डाल दिया। और जब उसको पैसा मिला, उस समय जो $100 था उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, और वो बैठा हुआ था, और जब राजा साहब ने उसे ये अमाउंट दिया, उसे रख करके वो फिर से भीख मांगने लगा, किनारे बैठा रहा। कुछ दिन गुजरे और पता चला कि उस भिखारी की मृत्यु हो गई। जब उसको लेकर के गए लोग, हॉस्पिटल में लेकर के गए, और पता चलता क्या है कि वो भूखे मर गया। और जब उसके झोले को देखा गया, वो $100 उसने वैसे ही रखा हुआ था, और तमाम जो पैसे उसने रखे थे वो वैसे ही रखा था, और भीख मांगा करता था। वो चाहता तो कुछ कार्य कर सकता था, वो चाहता तो हाथ पैर चला सकता था, पर मानसिकता वो भिखारी वाली थी। और आज कई लोग ऐसे ही दासत्व में जी रहे हैं, दिखाने के लिए हम लोग मसीह बन जाते हैं, पर कहीं ना कहीं गुलामी में जी रहे हैं। और याद रखिएगा, खुदा का कलाम बताता है, जो जिस चीज से हार गया वो उसका गुलाम हो जाता है। पर परमेश्वर के लोग, खुदा के लोगों, आप हारे हुए नहीं हो, खुदा ने आपको चुना है, खुदा ने आपको मिस्र से निकाला है, खुदा ने आपको दासत्व से आजादी की ओर लेकर के आया है। और ये वही मारा है, याद रखिएगा, जब परेशानियां आएंगी, जब समस्याएं आएंगी, जब आपके जीवन में खारापन होगा, कड़वाहट होगी, तभी परमेश्वर अपनी विधि, अपने नियमों को कुछ प्रकट करेगा, कुछ वाचा आपसे बांधेगा, कुछ बातें परमेश्वर आपसे करेगा। और ये वही मारा था जहां परमेश्वर ने इसराइलियों को एक नियम दिया, एक विधि दिया, और ये मारा के लिए आशीष का सबब बना। और आगे लिखा है, पढ़ लीजिए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों में भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जी हाँ, यहाँ परमेश्वर ने उन्हें बता दिया कि
कोई भी रोग जितने मिस्रियों पे मैंने भेजा था तुम में नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। जी हाँ, ड्रॉट आ गया था, परेशानी आ गई थी, सूखा हो गया था, पानी मिला भी तो खारा था। वो इसलिए था कि परमेश्वर कुछ बातें करना चाहता था। आज हम अपनी आशीषों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जब परमेश्वर चाहता है हमसे बात करना तो हम उसी आशीषों में खोए रहते हैं। तो परमेश्वर कई बार हमारी आशीषों को ले लेता है, हमारे बरकतों को ले लेता है, ताकि हम उसकी बातों को सुन सकें, उसके हुजूरी में आ सकें, उसके करीबी में आ सकें और जान सकें कि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। अभी तो बड़े खुश थे, चले जा रहे थे और भूल गए, अरे परमेश्वर ने अभी लाल समुंदर को दो भाग किया था। परमेश्वर ने बता दिया कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। और आज भी खुदा इस ड्रॉट से, इस सूखेपन से हमें लेकर के जा रहा है। ये COVID-19, ये कोरोना वायरस एक मारा की तरह है। मारा वो जगह थी जहां का पानी खारा था, और ये आज संसार की तस्वीर है जहां पे सब कुछ कड़वाहट से भरा हुआ है। पर याद रखिएगा, अभी भी समय है। उसके उपकार को स्मरण रखिएगा, उसकी दया को याद रखिएगा, क्योंकि वही मारा जो जगह है, वही जगह है जहां पे परमेश्वर ने अपने विधि और नियम को ठहराया था। इफ यू वांट टू सी गॉड्स लाइट, गॉड्स प्रेजेंस इन योर सर्कमस्टेंसेस व्हिच आर मेकिंग यू फील बैड, इन योर ट्रायल्स, व्हेन यू आर इन योर हार्ड टाइम्स, रिमेंबर टू प्रेज गॉड्स नेम, रिमेंबर to serve him, remember to cry before him, because he's the only one who can sustain up your life, he's the only one who can set you free, he's the only one who can give you hope and a better future. और ये इस्राएली लोगों को खुदा ने बताया, उस विधि को ठहरा करके, उस नियम को ठहरा करके, कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ और मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मैंने लाल समुंदर को पार कराया और मारा के जो पानी था, मारा का जो पानी था, जो खारा था, उसको मैंने मीठा बना दिया। उस लकड़ी को परमेश्वर ने बताया था, वो लकड़ी कोई और नहीं, परमेश्वर की तस्वीर है, खुदा की तस्वीर है। क्योंकि खुदा ने उस जमी से ऐसी मोहब्बत की कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर के वचन ने भी लिखा है, जो डाली उसमें बनी रहती है, फल लाती है, बढ़ती जाती है, परमेश्वर उसको छांटता है ताकि और फले, और बढ़े। ये ट्रायल्स आए तो थे, अभी 3 दिन हो गए, पानी नहीं मिल रहा था, मिला भी तो पानी खारा था। तो याद रखिएगा, परमेश्वर जिससे प्यार करता है, उसे जब वो बढ़ाना चाहता है तो कई बार वो छांटता है, कई बार वो छोटा करता है, ताकि हम और आगे परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले हो सके। और जब हम आगे पढ़ते हैं, एक पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह उसके 43वें अध्याय 16वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, खुदा कहता है, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जी हां मित्रों, he will create rivers in the dry wasteland where there seems no way, where there seems no hope. God will give you hope. God will give you a better future. मेरे मित्रों, मारा में परमेश्वर ने मुआवजे किया, अपने मुआवजे को दिखाया, अपने चमत्कार को दिखाया, अपने नियम को, अपनी विधि को ठहराया। हो सकता है आपका जीवन भी मारा जैसा बन गया हो, हो सकता है आपके जीवन में भी कोई कड़वाहट हो गई हो, पर याद रखिएगा, अगर आप बकझक करने के अलावा, बड़बड़ाने के अलावा परमेश्वर की जब दुहाई देंगे, परमेश्वर आपके लिए अपने भेदों को प्रकट करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में उस कड़वाहट को मिठास में बदल देगा, परमेश्वर आपके जीवन में, खुदा आपकी जिंदगी को उदासीनता से खुशियों में लेकर के आ जाएगा। पर आज हमें आवश्यकता है कि हम बकझक छोड़ करके परमेश्वर के हुजूरी में आ जाएं, उसके करीब आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर के हुजूरी में आनंद की
भरपूरी है। जी हाँ, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। लाल समुंदर पार कराया मिस्र को, मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को छुड़ाया। मारा में जब आए पानी खारा था, पानी मीठा बना दिया, और वहां पे परमेश्वर ने अपनी विधि को ठहराया, अपने नियम को ठहराया और बता दिया कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और उसके आगे पढ़िएगा, फिर वो एक जगह और जाते हैं जहाँ का नाम एलीम था, और वहां पे परमेश्वर ने मौजजे को नहीं किया। वहां पे 12 पानी के सोते थे और 70 खजूर के पेड़ थे, आशीषित जगह थी। मारा में कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने चमत्कार मारा में किया। एलीम के बारे में सिर्फ एक आयत लिखी, पर मारा के बारे में 4 आयतें लिखी हैं। मारा का मतलब होता है इट्स द प्लेस ऑफ बिटरनेस, इट्स द प्लेस ऑफ ट्रायल, इट्स द प्लेस ऑफ हार्डशिप, और एलीम का मतलब होता है प्लेस ऑफ कंफर्ट, इजीनेस, कन्वीनियंस, रेस्ट एंड डिलाइट। पर परमेश्वर ने कार्य एलीम में नहीं किया, अपने नियम, अपने विधि एलीम में नहीं किया, मारा में दिखाया, जहां का पानी खारा था, जहां पे नाउमीद थी, नाउमीदी थी, जहां पर निराशा थी, जहां पे वो बड़बड़ा रहे थे। परमेश्वर ने बता दिया कि मैं तुम्हारी निराशाओं को दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारे खारेपन को दूर कर दूंगा। मित्रों, अगर कोई आपके जीवन में भी ऐसी जगह है जहां पे आपके कड़वाहट आ रही हो, आपके जिंदगी में भी कोई ऐसे लम्हे हैं जहां पे आपको महसूस हो रहा हो कि ये मारा जैसे है, जहां का पानी कड़वा है, खारा है, तो याद रखिएगा, बड़बड़ मत करिएगा, बकझक नहीं करिएगा, बड़बड़ाइएगा नहीं, परमेश्वर की दुहाई दीजिएगा, उसके सम्मुख आ जाइएगा, घुटनों पे आकर के ऊंची आवाज में खुदा की सताइश को सना करिएगा। वही खारा पानी मीठा परमेश्वर कर देगा, वही मारा आपके लिए आशीष का सबब बन जाएगा, वही मारा खुदा बड़े बड़े मौजों को आपके जीवन में लेकर आएगा। मैं आशा करता हूँ इस वचन से खुदा ने आपको आशीष दी है। हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहिएगा कि प्रभु बढ़ाए, और सत्य ज्योति मिनिस्ट्री है हमारी, और हमारा एक पेज है रेवरेंड डेविड प्रदीप मुरार जी के नाम से, आप उसे जरूर लाइक करिएगा। वहाँ पे हर संडे 9 बजे इबादत करते हैं, अपनी उपस्थिति से हमें आशीषित कर सकते हैं। वी ब्लेस्ड बाय योर प्रेशियस प्रेजेंस। आपको बहुत बरकतों से भरे, आपके घराने को आशीषित करें, और आपके कुप्पी का तेल, मशक का आटा हमेशा भरपूरी में पाया जाए, और आपका मारा जो है, आपका जो पानी जो खारा है, आपके जीवन में अगर कोई उदासी है, खुदा उनसे दूर करे और एक मीठे सोतों को उसमें उजागर करे। खुदा आपको बरकतों से भरे, आप सबको जय मसीह।